जय माँ गायत्री मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल निक्की ब्लॉग में। दोस्तों, हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का बहुत ही महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाएगी। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि साल के प्रत्येक महीने में और महाशिवरात्रि साल में एक बार मनाते हैं। शिवरात्रि शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व होता है। मासिक शिवरात्रि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। मासिक त्योहारों में शिवरात्रि व्रत का बहुत ही महत्व होता है। मित्रों, इस दिन भगवान शिव की आराधना कर आप महावरदान को प्राप्त कर सकते हैं। इस साल की दूसरी मासिक शिवरात्रि 10 फरवरी 2021 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं मासिक शिवरात्रि में बेलपत्र का एक उपाय, जो कि हमें चमत्कारिक और हमें सारी सुखों को भोग कराने वाला वरदान साबित होगा। तो दोस्तों, हमें कैसे करना है पूजा, आइए जानते हैं। सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले। स्नान से निवृत्त होकर स्वच्छ और धुले हुए वस्त्र धारण कर ले। इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना अत्यधिक शुभ होता है। मित्रों, दोस्तों, इसके बाद मंदिर में या अपने घर में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी, कार्तिकेय व नंदी जी की पूजा करें। शिव परिवार को पंचामृत से स्नान कराए, साथ ही बेलपत्र लेकर भगवान शिव को रुद्र गायत्री मंत्र पढ़कर बेल के पत्ते चढ़ा दे और मन ही मन अपनी मनोकामना, आपकी जो भी कामना है, भगवान को मन ही मन अर्पित करें। दोस्तों, बेलपत्र, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और इत्र आदि जैसे पूजन सामग्री भगवान को अर्पित करें। पूजा विधि में शिव पुराण, शिव चालीसा, शिव अष्टांग, शिव मंत्र और शिव जी की आरती करें। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का जो व्रत है वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस दिन उपवास रखने और भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। ये व्रत रखने और पूजा करने वाले लोगों की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। मित्रों, दोस्तों, शिवरात्रि का व्रत करने से मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आ रही रुकावटें भी दूर होती है। मासिक शिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। शिव चालीसा के सरल शब्दों से भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। तो दोस्तों, आपने जाना कि मासिक शिवरात्रि कब है, उसकी तारीख कब है और उसका शुभ मुहूर्त कब है, और हमें इसका पूजा विधि विधान या पूजा विधि कैसे करें जिससे हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें। उम्मीद है मित्रों, आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।